अगर आपके फ़ोन में कॉल एंडेड लिखा जाता है जब भी आप कॉल लगाते हैं और कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है, ना कोई रिंग बजती है, सीधा कॉल एंडेड लिखा जाता है, कॉल डिसकनेक्ट हो जाता है। बार बार आप ट्राई करते हैं कॉल लगाने की, लेकिन ये कॉल नहीं लगता है। तो चाहे आपकी जो भी सिम हो, जियो हो, यहाँ पर बात करें एयरटेल हो या और जो भी फ़ोन हो, वो प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है वो हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख लेना कि सिम आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ठीक है, और सिम डाली है तो सही से इंसर्ट होनी चाहिए, और यह आप नेटवर्क देख के समझ सकते हैं कि सिम सही डाली हुई है या नहीं, ठीक है। सिम डाली हुई हो फिर भी हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, तो ये भी आपको देख लेना है कि नेटवर्क आ रहा हो बरोबर। इसके बाद आपको देखना है कि आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, एक्टिव रिचार्ज होना चाहिए जिससे कॉल लग सके, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपको स्टेप्स ट्राई करने हैं, जो सेटिंग्स देखनी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है इस वीडियो में एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा और ये प्रॉब्लम आपके जो है आ रही है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से सेटिंग्स में आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स में आना है। इसमें आपको देख लेना है कि डिफ़ॉल्ट जो सिम है सेट की हुई कॉल्स के लिए, वो वही सिम हो जिसमें रिचार्ज हो, ठीक है, ये आपको देख लेना है। क्योंकि यहाँ तो एक ही सिम है, अगर आपके फ़ोन में दो सिम है और दूसरी सिम सेट की हुई है डिफ़ॉल्ट पर जिसमें रिचार्ज नहीं है, तो कॉल नहीं लग पाएगा। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है कि डिफ़ॉल्ट सिम कौन सी सेट की हुई है आपने, ठीक है। इसके अलावा जो अब आपके जो सिम है जिससे आप यहाँ पर बात करें कॉल लगा रहे हैं और कॉल नहीं लग रहा है, उसको आप यहाँ से जो है आपको सेलेक्ट करना है उस सिम को, ठीक है, उसकी सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ हम इसकी सेटिंग्स में आ गए। अब यहाँ से आपको जो है यूज़ वॉल्ट, अगर आप 4G सिम यूज़ कर रहे हैं तो इसको जो है ऑन ही रखना आपको, ये आपको ध्यान रखना, ऑफ़ नहीं होना चाहिए ये, इसको आप ऑन ही रखें। और नेटवर्क टाइप में यहाँ पर बात करें तो अगर आपके पास जियो की सिम है तो उसमें तो सिर्फ ही जो नेटवर्क होगा LTE होगा, तो इसमें यहाँ पर वो इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई और सिम है तो उसमें आप कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पर 4G नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आप एक बार 3G या 2G ट्राई करके देखें, ठीक है, और तो हो सकता है उससे नेटवर्क आ जाए अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, या 4G में बहुत कम नेटवर्क आ रहा है, तो ये भी आपको देख लेना है। अब यहाँ से बात करें मोबाइल नेटवर्क्स में, ये जो सेट होना चाहिए ये यहाँ पर बात करें सही सेट है ऑटोमेटिकली पर, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब इसमें जो है आपको बैक आकर यहाँ से एडवांस सेटिंग्स में आना है। एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल नेटवर्क डायग्नोस्टिक, तो इसमें नेटवर्किंग का कोई इशू होगा तो वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से नेटवर्क को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेस्ट करते हैं, तो इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ और काफ़ी चीज़ें चेक होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉर्मल, तो इंटरनेट अगर सही चल रहा है तो नेटवर्क आपका सही है, उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, हमको यहाँ से जो है ध्यान पड़ जाता है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिसेट करने का, इन सारी मोबाइल नेटवर्क्स वाईफाई और ब्लूटूथ ये सारी सेटिंग्स को, तो हमें यहाँ पर जो है इसमें आना है। तो इसमें जो है यहाँ आप देख सकते हैं रीसेट कर सकते हैं सेटिंग्स को, तो यहाँ से हमें नेटवर्क सेटिंग्स को पूरा रीसेट कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई सेटिंग्स ऐसी होगी जो चेंज हो गई होगी नेटवर्क से रिलेटेड और जिससे कुछ आ रही है प्रॉब्लम, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग्स में आपको आकर एक चीज़ और देख लेनी है कि आपको यहाँ सर्च करना है कॉल बैरिंग, तो कॉल बैरिंग में आपको जो है यहाँ से ये ऑफ पर ही होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए आउटगोइंग कॉल्स के लिए, क्योंकि अगर ये ऑन है आउटगोइंग कॉल्स के लिए तो कॉल नहीं लगेगा, ये भी आपको देख लेना है। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करनी है,